बड़ी खबरों की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी की मां ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। राहुल गांधी बोले भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। तमिलनाडु में चुनाव से पहले रुपए बांटने पर मुदेर समेत कई शहरों में आईटी के छापे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया दिल्ली में अब तक 2.43 करोड़ कोरोना के वैक्सीन दिए गए। ममता पर हुए हमले पर टीएमसी नेता मदन मित्रा बोले ये हत्या की कोशिश थी। दिल्ली में शाहीनबाग के पीएफआई ऑफिस पर नोएडा एसटीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। ममता बनर्जी ने अस्पताल से जारी किया वीडियो संदेश, कहा व्हील चेयर पर करूंगी प्रचार। बंगाल के नंदीग्राम में 13 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत। महाराष्ट्र के नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं की होगी अनुमति। कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में हुई घटना को लेकर आईपीसी की धारा 341 और 323 के तहत केस दर्ज। बंगाल में पुरुलिया जिले की जयपुर विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार का नामांकन हुआ खारिज। दिल्ली हिंसा के लिए अमानतुल्ला ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार, विधानसभा में हंगामा। बंगाल में ममता बनर्जी से मिलने एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य और तथागत रॉय। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी हुआ ढेर। उत्तराखंड में 17 मई को सुबह 5 बजे खुलेंगे केदारनाथ के कपाट, 13 मई को होगी भैरव पूजा। यूपी में नैनी सेंट्रल जेल से फतेहगढ़ जेल भेजे गए पूर्व सांसद धनंजय सिंह। बंगाल में सीएम ममता पर हुए हमले को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलेंगे टीएमसी नेता। कुंभ मेला में हरिद्वार में शुरू हुआ शाही स्नान, अलग अलग अखाड़ों में लगा रहे हैं संत डुबकी। आप नेता राघव चड्ढा को हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।